माघी पूर्णिमा पर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भागलपुर, बांका, नवगछिया सहित आसपास के कई जिले और पड़ोसी राज्य झारखंड के कई जिलों से पहुंचे लोगों ने गंगा स्नान किया। आज के दिन दान पुण्य और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने, दान और ध्यान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वही माघी पूर्णिमा को लेकर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा घाटों में शिव भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। सीओ वीडियो थानाध्यक्ष ने गंगा घाटों का लिया जायजा। गंगा स्नान करने आए हैं और आज माघी पूर्णिमा है और आज गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति मिलती है। यहाँ पे सारे लोग सब आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। इसका बहुत महत्व माना जाता है गंगा में स्नान करने के लिए। बहुत यहाँ भी आते हैं, बहुत अगर कुछ दूसरे गांव में भी जाते हैं नहाने के लिए। यहाँ से भी दूसरे गांव में भी जाते हैं नहाने के लिए। कहाँ से आए? बरारी से आए हैं, यही मेरा घर है। क्या महत्व है आज के दिन? बहुत महत्व है आज के दिन। आज हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं। आज माघी पूर्णिमा है और हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति आती है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान नहाने से पुण्य होता है। बाल बच्चा के लिए सुखी संपन्न मांगने गंगा माँ से मांगते हैं। और क्या पूर्णिमा ज्योति बिहार से आए हैं हम लोग, सबको देख के सोचे हम लोग भी नहा लेते हैं। छोटी नाव और गोता को वो भी प्रतिनियुक्त है। सभी लोग अपने अपने काम पे हैं। बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से किसी प्रकार का कोई दुर्घटना का सूचना नहीं है। सब कुछ ढंग से बहुत शुभ दिन माना जाता है और एक महीना लोग बाग मेहनत करते हैं। माघ माह तो नहाते हैं और लोग बाग पाठ पूजा करते हैं। उसके बाद आज पूर्णिमा के दिन स्नान दान पुण्य करते हैं और बहुत शुभ दिन होता है। कुछ करुणा को लेकर के घाटों पर हर जगह इस बार भीड़ कम है। सभी जगहों पर यही स्थिति है और लोग बाग सावधानी बरत रहे हैं। सावधानी से लोग बाग आए हुए हैं और अपना जल धार के जा रहे हैं। और माघी पूर्णिमा है, ये तो हर साल आने वाला है और बहुत शुभ माना जाता है। क्या इसे का महत्व है सर? विशेष महत्व क्या है जो लोग महत्व है? एक महीना मेहनत करते हैं, इसका फल बहुत अच्छा है। अपने माता पिता के आशीर्वाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, मनोकामना के लिए, अपना साल भर जो है सुखी संपन्न जीवन रहने के लिए मनोकामना अपना गंगा मैया से मांगते हैं, स्नान दान करते हैं, अपने पितृ के लिए भी अपना दान पुण्य करते हैं। तो इससे लोगों को मन में शांति मिलती है, सुख मिलता है। इसके लेकर के जो है माघी पूर्णिमा विशेष रूप से माना गया है और दान पुण्य का बहुत अच्छा दिन होता है। इसीलिए आज के दिन इसलिए माघी पूर्णिमा को विशेष दर्जा दिया जाता है। और आज से ना आदि अनंत से चला आ रहा है माघी पूर्णिमा और लोग बाग बहुत से लोग जो हैं साल एक महीना माघी स्नान सुबह भोर में लोग स्नान करते हैं। उसका आज अंतिम दिन है जो माघी पूर्णिमा को नहा करके फिर विश्राम ले लेते हैं लोग बाग। फिर अपना समय के अनुसार नहाते हैं। सूर्य उदय से पहले लोग स्नान करते हैं, घरों में करें, तालाब में करें, गंगा जी में करें, कुआं पर करें, जो नियम करता है। बाकी लोग तो स्नान तो सभी लोग करते हैं अपने घर में। तो आज के दिन जो यहाँ अजगैवीनाथ धाम में जो श्रद्धालु पहुँचे हैं सर, किन किन जिलों के या कहाँ कहाँ के लोग आए? अजगैवीनाथ तो अभी बाहर से तो इस बार ना अभी नज़र नहीं आए। नेपाल का बहुत कम लोग हैं, बाकी बिहार राज, झारखंड राज, ये दोनों तरफ से हैं और हर जिले के आदमी हैं, झारखंड के भी हैं। और बिहार जब झारखंड बिहार झारखंड राज्य है। और कल कुछ लोग आए थे, यूपी के भी आए हुए थे कुछ लोग, जो गाड़ी घोड़ा कम चलने के कारण जो कोरोना को लेकर के 50% भीड़ इस साल माघी पूर्णिमा पर है। श्रीपंत दस नाम जूना अखाड़ा अजगैवीनाथ मठ महंत प्रेमानंद गिरी।